महामहिम उपराष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मुख्यातिथ्य में प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में कलेक्टर ने आयोजित की पत्रकार वार्ता दी महत्वपूर्ण जानकारी। कलेक्टर विकास मिश्रा ने 19 जून विश्व सिकल सेल दिवस पर डिंडोरी में महामहिम उपराष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मुख्यातिथ्य में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में पत्रकार वार्ता आयोजित कर आयोजन के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया विश्व सिकल सेल दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शासकीय चंद्रविजय महाविद्यालय डिंडोरी में आयोजित होगा। कलेक्टर विकास मिश्रा ने मिनट टू मिनट कार्यक्रम के संबंध सभी पत्रकारों से चर्चा की। कलेक्टर विकास मिश्रा ने बताया कि 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस पर महामहिम उपराष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल के मुख्यातिथ्य में शासकीय चंद्रविजय महाविद्यालय डिंडोरी में विशाल कार्यक्रम प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम में जिले के सभी सिकल सेल के मरीजों के लिए विशाल चिकित्सा शिविर आयोजित होगा, जिसमें सिकल सेल मरीजों का उपचार किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में आयुष विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए सभी अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने मुख्य रूप से हेलीपैड निर्माण, कार्यक्रम स्थल पर मंच निर्माण, टेंट, बैठक व्यवस्था, पेयजल, स्वल्पाहार, भोजन, शौचालय, रूट चार्ट, कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, मरीजों को लाने ले जाने की समुचित तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी सौंपे गए दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन करें, सभी आवश्यक तैयारियां समय पूर्व पूर्ण कर लें। पुलिस अधीक्षक वहिनी सिंह ने कहा कि कार्यक्रम के लिए कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर एवं संपूर्ण नगर व रूट चार्ट की तैयारी की जा चुकी है। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो इसके लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। छोटे बच्चों को हम कैसे रोक सकते हैं? अवेयरनेस डे है, उसी कार्यक्रम के लिए माननीय लोग आ रहे हैं 19 तारीख को। अभी सुबह प्रथम सत्र में कार्यक्रम होना है और उसके लिए माननीय उपराष्ट्रपति जी, गवर्नर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं सभी, और इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्री, आयुष मंत्री भी आ रहे हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि सारे हमारे निमंत्रित होंगे सब लोग, वो भी आएंगे। और वहाँ पर हम लोग मेनली जो 1963 हमारे मरीज आइडेंटिफाइड हैं वो मरीज, और इसके अलावा कुछ आसपास के जिलों से भी लोग आएंगे मरीज, और इसके अलावा जो आम जनता को भी हम लोग बुला रहे हैं, इसमें खास में स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है उनको अवेयर करना, महिला बाल विकास का जो अमला है उसको अवेयर करना, जिनका डेली इन मरीजों के साथ में 1-to-1 रहता है। हम इसके अलावा उसके अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए जो मिडिल स्कूल से ऊपर की क्लासेस हैं वहाँ पर भी डिफरेंट तरह के अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। साथ में जो हमारे मुख्य रूप से इस तरह के जो मरीज हैं उनका स्पेशल स्वास्थ्य परीक्षण, दवाइयों का भी उनका वितरण होगा, और साथ में महिला बाल विकास, आयुष, स्वास्थ्य और ट्राइबल डिपार्टमेंट की प्रदर्शनी भी लगेंगी सिकल सेल के रेफरेंस में। इसके लिए बाहर से भी हमारी टीमें आ रही हैं जो प्रदर्शनी लगाएंगी। कुल मिलाकर ये 2 घंटे का लगभग एक कार्यक्रम होगा। उसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि मरीजों को पूरा बेहतर इलाज मिल सके और ये बीमारी आगे ना बढ़े, इसके लिए अवेयरनेस बढ़े